नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहेगा। दिन की शुरुआत में आप अपनी लव लाइफ को एंजॉय करेंगे और आपकी इनकम ठीक ठाक रहेगी, लेकिन दोपहर बाद स्थिति में परिवर्तन होगा। खर्चों में तेजी आएगी, थोड़ी मानसिक चिंताएं भी हो सकती हैं। खुद की सेहत का ध्यान रखें, काम के सिलसिले में अच्छे नतीजे मिलेंगे। वृषभ राशि, आपके लिए आज का दिन बाद अच्छा रहेगा। परिवार के साथ साथ अपनी निजी जिम्मेदारियों को भी पूरा करेंगे। काम के सिलसिले में अच्छे नतीजे मिलेंगे। किसी संपत्ति को खरीदने का विचार बना सकते हैं। संतान से प्रेम रहेगा। शादीशुदा लोगों का गृहस्थ जीवन भी रोमांच से भरपूर रहेगा। एक दूसरे के साथ घर की जरूरत का कोई सामान खरीदने की बात होगी। प्रेम जीवन के लिए आज का दिन मान अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, आपके लिए आज का दिन सामान्य रूप से फलदायक रहेगा। यात्रा पर जाने से बचें। दोपहर बाद अपने परिवार वालों के साथ वक्त बिताएंगे। घर की जरूरतों को समझेंगे। काम के सिलसिले में आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बावजूद अल्प फल की प्राप्ति होगी। शादीशुदा लोगों का गृहस्थ जीवन सामान्य रहेगा, कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। कर्क राशि, आज का दिन अच्छा रहेगा। धन की आवक होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी, खर्चों में कमी आएगी। काम के सिलसिले में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। ज्यादा मेहनत करें और दूसरों के मामलों में टांग न अड़ाएं। गृहस्थ जीवन खुशनुमा रहेगा, एक दूसरे से प्रेम पूर्ण स्थिति में रहेंगे। प्रेम जीवन बिता रहे लोगों को अच्छे समाचारों की प्राप्ति होगी। सिंह राशि, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आपका खुद पर विश्वास रहेगा और अपनी खुद की कार्य क्षमता को मजबूती देने के लिए आप और कुछ बड़ा सोचेंगे। इनकम में बढ़ोतरी होगी और खर्च लिमिट में रहेंगे। शादीशुदा लोगों का गृहस्थ जीवन तनावपूर्ण स्थितियों में हो सकता है। प्रेम जीवन बिता रहे लोगों को आज अपने प्रिय पर किसी बात को लेकर संदेह हो सकता है। बारी है कन्या राशि की। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। दोपहर तक आप थोड़े चिंतित रह सकते हैं, कुछ परेशानियां भी आपको सताएंगी। दोपहर बाद आपकी स्थिति मजबूत होती नजर आ रही है। खुद की बातों को पूरा करने का समय आ गया है। दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ें। काम के सिलसिले में अपनी बुद्धि को प्रयोग करके अच्छा फायदा उठाएंगे। गृहस्थ जीवन के लिए आज का दिन मान अच्छा रहेगा। इनकम बढ़ेगी और प्रेम जीवन बिता रहे लोगों को भी आज का दिन आरामदायक रहेगा। बारी है तुला राशि की। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। दोपहर तक आपकी स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन दोपहर बाद इनकम में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं और आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। खर्चे इतने ना बढ़ें कि आपको बाद में समस्या हो, इसलिए अभी से वित्त का नियंत्रण करें। सेहत के मामले में दिन कमजोर होगा। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आप अपने काम में पूरी ईमानदारी से अपना योगदान देंगे और दोपहर बाद आपकी इनकम में जबरदस्त तेजी आएगी। व्यापार में प्रॉफिट के अच्छे योग बन रहे हैं। व्यापार के सिलसिले में यात्राओं को फिलहाल टाल दें। गृहस्थ जीवन प्रेम से भरपूर रहेगा और प्रेम जीवन बिता रहे लोगों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, इसके बावजूद आप दोनों का एक दूसरे पर भरोसा बना रहेगा। धनुराशि, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। अचानक से काम के सिलसिले में कुछ अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी जिनकी आपको उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह आपके फायदे में रहेंगे, इसलिए आप खुश रहेंगे। मन हर्षित होगा, परिवार में भी हंसी खुशी का माहौल रहेगा। गृहस्थ जीवन सामान्य रहेगा। प्रेम जीवन बिता रहे लोगों को आज अपने प्रिय को खुश करने के लिए काफी कोशिशें करनी पड़ेंगी। मकर राशि, आपके लिए आज का दिन ठीक रहेगा। दोपहर तक थोड़ा सावधानी बरतें, कोई बड़ा काम हाथ में ना लें। दोपहर बाद स्थितियां बदलेंगी, भाग्य का साथ मिलेगा, कार्य में सफलता मिलेगी। काम के सिलसिले में किए गए प्रयास सार्थक होंगे। प्रेम जीवन में रोमांस रहेगा। शादीशुदा लोगों का गृहस्थ जीवन भी आज काफी अच्छा रहेगा। आप अपने रिश्ते की मजबूती को समझेंगे। कुंभ राशि, आपके लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। दोपहर तक का समय पूरी तरह से आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है, जिससे कामों में सफलता मिलेगी, लेकिन दोपहर बाद कोई बड़ा काम हाथ में ना लें। इनकम में गिरावट आ सकती है, खर्चों में बढ़ोतरी होगी, बेवजह की चिंता परेशान कर सकती है। गृहस्थ जीवन शांतिपूर्ण रहेगा, एक दूसरे के साथ समय बिताना अच्छा लगेगा। मीन राशि,
आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहेगा। व्यापार के लिए आज का दिन अच्छा है, आपको सुदूर क्षेत्रों से भी लाभ होगा, लेकिन नौकरी पेशा लोगों को आज अपना ज़्यादा पसीना बहाना पड़ेगा और इसके अनुपात में आपको फल थोड़ा कम ही मिलेगा। फिर भी हिम्मत न हारें, काम और मेहनत करते रहें। प्रेम जीवन के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आप अपने मन की बात करेंगे। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। इन तारीखों में जन्मे लोगों को 18 जून को मिलेगा शुभ समाचार, धन लाभ का भी होगा प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्मतिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। मूलांक 1, आज आपका दिन खुशनुमा रहेगा। कार्य क्षेत्र और व्यापार में उन्नति के अवसर सामने आ सकते हैं। मेहनत से किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी। साथियों के सहयोग से मुश्किल भी बन सकेंगे मुमकिन। एकाग्रता बनाए रखें, व्यय की अधिकता रहेगी, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा की स्थिरता रहे। परिवार का सहयोग मिलेगा, परिवार के साथ समय व्यतीत करने का अवसर मिलेगा। शुभ अंक होगा 21, शुभ रंग नीला। मूलांक 2, आज आपका दिन अवसरों से भरा रहेगा। कार्य क्षेत्र और व्यापार में उन्नति के अवसर मिलेंगे। मन में प्रसन्नता का भाव रहेगा, साथियों का सहयोग मिलेगा, अधिकारियों का सानिध्य भी प्राप्त होगा। व्यापार में लाभ के अवसर सामने आएंगे, व्यय की अधिकता रहेगी, परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। मौसम के बदलाव से आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, वाहन के प्रयोग में सावधानी बरतें। शुभ अंक होगा 17, शुभ रंग पीला। मूलांक 3, आज आपका दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा। कार्य क्षेत्र और व्यापार में वातावरण आपका अनुकूल रहेंगे, साथियों का सहयोग भी मिलेगा, अधिकारियों का सानिध्य प्राप्त होगा, उन्नति के अवसर सामने आएंगे, नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं, व्यापार में लाभ के अवसर भी मिलेंगे, परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा, पुराने मित्रों से मुलाकात संभव है, पेट के रोग आ सकते हैं और परेशान कर सकते हैं, खान पान पर नियंत्रण रखें। शुभ अंक 27, शुभ रंग हरा। मूलांक 4 के जातक, आज आपका दिन उतार चढ़ाव भरा रहेगा। कार्य क्षेत्र और व्यापार में सावधानी, नई परेशानियां सामने आ सकती हैं, वरना जोखिम भरे मामलों में निर्णय फिलहाल टाल दें, नई योजनाओं पर कार्य आरंभ नहीं करनी है, धैर्य के साथ कार्य करें, किसी भी कार्य में जल्दबाजी ना करें, व्यय की अधिकता रहेगी, व्यापार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति से दूर रहें, परिवार का सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। शुभ अंक होगा 15, शुभ रंग ग्रे। मूलांक 5 के जातक, आज आपका दिन मिला जुला असर देने वाला रहेगा। कार्य क्षेत्र में अचानक महत्ता अलग निर्णय लेने पड़ सकते हैं, जोखिम भरे मामलों में निर्णय फिलहाल टालना बेहतर होगा, संयम से काम लेना अच्छा रहेगा, लेख व्यय की अधिकता रहेगी, व्यापार में लाभ के अवसर सामने आते दिख रहे हैं, लेकिन व्यापारिक प्रतिस्पर्धा की स्थिति से दूर रहें, विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, तनाव हावी हो सकता है, परिवार में ऐप और चढ़े पर अनबन हो सकती है। शुभ अंक होगा 12, शुभ रंग आसमानी नीला। मूलांक 6, आज आपका दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा। कार्य क्षेत्र और व्यापार में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जोखिम भरे मामलों में निर्णय फिलहाल टालना बेहतर होगा, किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें, कार्य क्षेत्र में नई परेशानियां सामने आ सकती हैं, व्यापार में हानि भी होने के संकेत मिल रहे हैं, भावुकता में आकर निर्णय ना लें, परिवार का सहयोग मिलेगा, गले के रोग आपको परेशान कर सकते हैं, शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। शुभ अंक होगा 19, शुभ रंग केसरिया। मूलांक 7, आज आप सकारात्मकता से परिपूर्ण रहेंगे। कार्य क्षेत्र और व्यापार में वातावरण आपके अनुकूल रहेगा, पहले से अटके हुए कार्यों में प्रयास के बाद सफलता मिलेगी, आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें, व्यय की अधिकता रहेगी, नई योजनाओं पर कार्य आरंभ करने से पहले अगला अनुभवी से सलाह अवश्य लें, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, परिवार का सहयोग भी मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी, आपकी स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। शुभ अंक होगा 25, शुभ रंग नारंगी। मूलांक 8, आज आपका दिन मिला जुला असर देने वाला रहेगा। कार्य क्षेत्र और व्यापार में सावधानी बरतें, नई योजनाओं पर कार्य आरंभ ना करें, निवेश करने से पहले किसी अनुभवी से सलाह लें, विवादों की स्थिति से दूर रहें, व्यय की अधिकता हो सकती है, वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, मानसिक तनाव आपको परेशान कर सकता है, वाहन के प्रयोग में सावधानी बरतें। शुभ अंक होगा 27, शुभ रंग गुलाबी।
मूलांक 9, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र और व्यापार में वातावरण आपके अनुकूल रहेंगे, उन्नति के अवसर सामने आएंगे, मन प्रसन्न रहेगा। पहले से अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे, व्यापार में अचानक लाभ के अवसर भी सामने आएंगे। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, पुनः किए गए कार्यों के शुभ परिणाम सामने आएंगे। आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, शुभ अंक होगा 29, शुभ रंग लाल। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार जून 18, 2023 रविवार आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 5:45 से, सूर्यास्त शाम 7:10 से, चंद्रोदय 18 जून सुबह 5:26 से, चंद्रास्त 18 जून शाम 7:39 से। तिथि कृष्ण पक्ष अमावस्या 17 जून सुबह 9:11 से 18 जून सुबह 10:07 तक। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 18 जून सुबह 10:07 से 19 जून सुबह 11:25 तक। नक्षत्र मृगशीर्षा 17 जून शाम 4:25 से 18 जून शाम 6:06 तक। आद्रा 18 जून शाम 6:06 से 19 जून शाम 8:10 तक। करण नाग 17 जून रात 9:36 से 18 जून सुबह 10:07 तक। किस्तु घन 18 जून सुबह 10:07 से 18 जून रात 10:43 तक। बव 18 जून रात 10:43 से 19 जून सुबह 11:25 तक। योग गण 18 जून रात 1:01 से 19 जून रात 12:59 तक। वृद्धि 19 जून रात 12:59 से 20 जून रात 1:15 तक। अशुभ काल राहु शाम 5:30 से 7:10 तक। यमगण दोपहर 12:27 से 2:08 तक। कुलिक दोपहर 3:49 से शाम 5:30 तक। दुर्मुहूर्त शाम 5:22 से 6:16 तक। वर्ज्यम रात 3:14 से 4:58 तक। शुभकाल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:54 तक। अमृतकाल सुबह 8:41 से 10:24 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख समृद्धि और आयोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्यदेव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः,
ओम पुष्णे नमः, ओम हिरणगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें, 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है, कारोबार में सफलता प्राप्त होती है, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्ति पीठ है, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप है, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव, पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्यान्ह में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी, अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है।
इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और दो बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहां भगवान भैरव को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम दूधिया भैरवनाथ रखा गया है, जो कि इंद्रप्रस्थ में स्थापित है। दिल्ली का काल भैरव मंदिर। जगदीश नारायण द्वारा स्थापित किया गया यह मंदिर 25 फीट गहरे पातलवासी स्वर्ण दर्शन प्राचीन काल भैरव मंदिर है। इसके साथ ही यहां शनिदेव मंदिर भी मंदिर के मुख्य परिसर से जुड़ा हुआ है। काल भैरव मंदिर, काशी। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर, उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ा खाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ा खाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।